कहते हैं हीरा हर औरत की पसंद होता है, और अगर आप इस बहुमूल्य तोहफे को अपनी माँ को देना चाहते हैं तो बस बन जाए ये परफेक्ट मदर डे का जो मौका है ये काफी खास होने वाला है, और इस दिन हीरा गिफ्ट करके आप उन्हें बहुत सी खुशियां गिफ्ट कर सकते हैं। मदर्स डे का खास मौका, और इस मौके पर हम चाहते हैं कि आप अपनी मम्मा को यानी कि अपनी माओ को कुछ ना कुछ नायाब गिफ्ट करें। और कहते हैं ना डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, जब बेस्ट फ्रेंड की बात हो ही रही है तो कभी हमने सोचा क्यों ना मिरारी में आके इस बार आपको नए कलेक्शन के बारे में बताएं जो कि मदर्स डे के उपलक्ष्य पर खासतौर पर आपके लिए उपलब्ध है। वेल, डायमंड्स के साथ साथ अगर कॉम्बिनेशन पर्ल का हो जाए तो आई एम श्योर आप सभी को पसंद आएगा। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, बहुत ही प्यारा सा यूनिक सेट यहाँ पर मौजूद है, पर्ल उसके साथ डायमंड और रूबी का पूरा एक हम देख सकते हैं समागम। चलिए, ये तो बात हुई हेवी नेक पीसेस की, लेकिन हाँ अगर कुछ और नेक पीसेस पे हम नजर डालें, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, वाकई में पर्ल के साथ नायाब सा। आई एम श्योर आप अपनी मम्मा को जब भी गिफ्ट करेंगे तो वो देखती ही रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से ये हीरे चमक रहे हैं उनकी आंखों में भी उतनी ही प्यारी चमक होगी मदर्स डे के लिए, क्योंकि प्यार से भरा हुआ तोहफा, और वो भी अगर डायमंड और पर्ल कॉम्बिनेशन के साथ हो। और इसके साथ आपको मिलेंगे प्यारे से इयररिंग्स। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी आपका नेक पीस हैवी है तो जरूरी हो जाता है जो भी आपकी इयररिंग्स हो या आपके हाथों की रिंग हो वो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज में हो, क्योंकि आप एक चीज को एम्फसाइज या हाईलाइट कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि आपको दोनों चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे एक और हम प्यारा सा खूबसूरत सा नेकलेस देख सकते हैं, और मैं आपको बता दूं ये पर्ल के साथ व्हाइट डायमंड, येलो डायमंड एंड पिंक डायमंड के साथ है। ब्यूटिफुल, दिस इज रियली ब्यूटिफुल। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक बार पहन के देखूं। वेल, मैं तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी मम्मा के लिए तो जरूर मैं इनको पैक करवा ही सकती हूँ। यहाँ पे ये हम इयररिंग देख सकते हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा शौकीन है येलो कलर डायमंड के, उनके लिए इससे बढ़िया आई डोंट थिंक कोई और पीस हो सकता है। जितना सोफिस्टिकेटेड है उतना ही क्लासी भी। इनके साथ ही हम अगर थोड़ा सा और डिफरेंट डिजाइन में देखें तो इस तरीके के आपको सफायर के साथ भी मिल जाएगा डायमंड कॉम्बिनेशन, अ वेरी नाइस। वेल, इनको अगर हटाते हुए देखूं, अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। वेल, ये तो बात हुई डायमंड और रूबी के कॉम्बिनेशन की, कुछ और भी कॉम्बिनेशन हैं। मुझे नजर जो आ रहा है वो है एमरल्ड कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यहाँ पे देखिए बढ़िया सा प्यारा सा स्लीक नेकलेस, उसी के साथ बेजोड़ पीकॉक शेप में, बिल्कुल उसी का हम कह सकते हैं उसको, पूरी परिभाषा को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। ग्रीन, एक छोटा सा प्यारा सा रूबी का चिप, ये ब्लू सफायर, और यहाँ पर दोबारा से एक पिकॉक शेप में दिया गया है। इसकी पूरी बारीकियों को अगर हम नजर घुमाएं, जो जितने पेटल्स होते हैं या जितने भी शेड्स फेदर्स जो होते हैं पिकॉक के, उनको डायमंड और सफायर के साथ, ब्लू सफायर के साथ मर्ज किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हमने आपको अच्छी अच्छी कलेक्शन दिखाई, खासतौर पे ब्यूटीफुल डायमंड कॉम्बिनेशन विद पर्ल की, आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। इस खास दिन को और खास बनाइए विद अ डायमंड। कैमरामैन सैमसन दास के साथ शाडोरिका बैनर्जी।